गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कें ये समझा जा सकता है कि तालाब में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुरुग्राम की जो तमाम सड़कें हैं वो जलभराव की वजह से पूर्ण रूप से तालाब में तब्दील हो गई है। और अभी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, गुरुग्राम के सेक्टर 51 की तस्वीरें हैं और जगह जगह जो तमाम तस्वीरें आज सुबह के वक्त देखने को मिल रही है। और बड़ी बात ये देखी कि रेड लाइट के वक्त वहां गाड़ियों की क्या स्थिति है, किस तरीके से लोगों को रेड लाइट का सामना करना पड़ रहा है और वहां से गाड़ी को पास करना पड़ रहा है। देखिए कि पूर्ण रूप से सड़क तालाब में तब्दील हो गई है और लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से ये कहा भी गया है, पूर्वानुमान लगाया गया था कि दो दिन तक दिल्ली NCR समेत गुरुग्राम हरियाणा के तमाम जिलों में लगातार बारिश हो सकती है और ऐसे में कई सालों का रिकॉर्ड भी इस बार टूटा है। और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता के लिए ये बारिश किस तरीके से मुसीबत का रूप बनकर बरस रही है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उससे ये समझा जा सकता है कि आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गई है। लेकिन अब बड़ी बात यह भी है कि ठंड की जो ठिठुरन है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर लगातार बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ पहाड़ों पर जो बर्फबारी चल रही है, बर्फबारी हो रही है और सफेद चादर वहां पर भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो देखने को मिल रहा है। और मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए, खास तौर पर मैदानी इलाकों में ठंड की जो ठिठुरन है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। ये तस्वीरें आप फिलहाल सीधा लाइव तस्वीरें वी न्यूज के कैमरे से आप देख सकते हैं। और लगातार फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और भी कई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि शहर के क्या हालात हैं। और अक्सर जो पानी की निकासी को लेकर एक तरफ प्रशासन देखिए लाख दावे भी करते हैं, आपको याद होगा कि कुछ वी न्यूज ने जब ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी जून जुलाई के वक्त जब मॉनसून ने दस्तक दी थी, गर्मी का वक्त था, वहां पर भी वो उसी तरीके की तस्वीरें आज एक बार फिर सर्दी में देखने को मिल रही है। और बड़ी बात ये भी है कि एक तरफ देखिए कोरोना का भी काफी तेजी से लेवल हाई होता जा रहा है, कोरोना के आंकड़ों में भी उछाल है, लेकिन उसके बावजूद एक तरफ बारिश भी है। ये समझा, कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि एक बड़ा जो संकट है वो आम जनता के लिए ही मुसीबत का सबब बन जाता है, क्योंकि अक्सर इस तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानियों को साफ तौर पर उजागर करती हैं। लेकिन सवाल आखिर यही उठता है कि सरकार जो बड़े बड़े वादे और दावे करती है, क्या वो धरातल पर नजर आते हैं? और जो तस्वीरें आप लगातार वी न्यूज के कैमरे पर देख रहे हैं, पानी से सड़कें जो लबालब हैं, पानी से भरी हुई हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि पानी की निकासी को लेकर जो सदन की बैठक में भी तमाम दावे और वादे किए जाते थे, सवाल खड़े किए जाते थे कि पानी की निकासी हो जिससे आम जनता को राहत मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आखिर ये देखिए कि बड़े जो पॉश एरिया हैं, जो सेक्टर्स हैं, यहाँ के क्या हालात हैं वो किसी से छिपाए नहीं छिप रहे हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होने भी लाजमी हो जाते हैं। और बड़ी बात ये भी है कि जो सड़क पर गड्ढे हैं, और एक तरफ पानी से सड़क भरी हुई है, दूसरी तरफ गड्ढे भी हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो बड़ी क्षति होने का भी भय लोगों के बना रहता है, लोगों के जहन में बना रहता है। और ऐसे में कोई बड़ी हानि ना हो, जिस पर प्रशासन को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सुबह से ही जिस तरीके की परेशानी आम जनता को उठानी पड़ रही है, क्योंकि इस तरीके के हालात अक्सर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये भी है, एक तरफ मौसम विभाग ने जब पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था कि 7 से 8 तारीख को बारिश हो सकती है और बारिश का दौर कल रात से ही शुरू हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, वो ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि
इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में उनके लिए रहना, अपना गुजर बसर करना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी उनके सामने खड़ी हो जाती है। और ये लगातार वी न्यूज के कैमरे पर आप देख रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात हैं, आम जनता को किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि जब चुनाव का वक्त होता है तब सरकार इस ओर ध्यान देती है, लेकिन उससे पहले जो सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाती है, पानी जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। और बड़ी बात ये भी है कि ये सेक्टर्स में किस तरीके के हालात बन रहे हैं। अभी कुछ और तस्वीरें लगातार वी न्यूज के कैमरे से आपको दिखाए जाएंगे कि लोगों को किस तरीके की परेशानी देखने को मिल रही है। हालांकि एक तरफ सर्दी का सितम भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है, और जीना कहीं ना कहीं लोग अब आज ये सोच रहे हैं कि घर से कैसे निकला जाए। जाहिर तौर पर है कि जिन लोगों के पास फोर व्हीलर है उनके लिए कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि वो उनके लिए रास्ते पार करना आसान है, लेकिन जो राहगीर हैं, जो पैदल चलते हैं, उनको किस तरीके की परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। ये सीधा लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पॉश एरिया है, और देखिए कि पॉश एरिया की क्या स्थिति है। देखिए जल विहार कॉलोनी है और गांव झाड़सा सेक्टर के अंदर ये आता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ओझल नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि तमाम वादे और दावे यहाँ पर खोखले साबित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, उनको इस तरीके की परेशानी उठानी नहीं पड़ती है क्योंकि उनके पास हर तरह से वीआईपी और लग्जरी चीजें उन्हें मुहैया करवाई जाती हैं। लेकिन इस तरीके की परेशानी किन्हें उठानी पड़ती है? जो आम नागरिक होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं। जब सोचिए कि सेक्टर्स की पॉश एरिया की हालत यह है, तो जो कस्बे हैं, छोटे कस्बे हैं, वहां की क्या स्थिति होगी। और लगातार वी न्यूज आपको इस तरीके की तस्वीरें सीधा आज दिखा रहा है, और इस तरीके की तस्वीरें पहले भी देखने को मिली। और बड़ी बात यह भी है कि साइबर सिटी से कहा जाता है, साइबर हब यहाँ पर है, और जो तमाम सेलिब्रिटीज हैं, बड़ी हस्तियां हैं, वो भी यहाँ पर रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जल की निकासी को लेकर लगातार कई वक्त से ये मांग की जाती है कि पानी की निकासी हो। और देखिए कि गर्मियों के वक्त तो इस तरीके की तस्वीरें जब मानसून दस्तक देता है देखने को मिलती है, सर्दियों में भी ये हूबहू तस्वीरें एक बार फिर उजागर होती हुई नजर आ रही है। और भी कुछ तस्वीरें, और आज साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें, मिलेनियम सिटी से कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के क्या हालात हैं, किस तरीके की परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है, वो लगातार आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जितने भी व्यूवर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आप अपनी राय जरूर रखें कि आप इस तरीके की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरीके की परेशानियां आप देख रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है। कमेंट के जरिए जरूर आप अपनी बातों को रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन के नुमाइंदों तक भी ये आवाज पहुंच सके, ये तस्वीरें उन तक पहुंच सके कि साइबर सिटी के क्या हालात हैं, किस तरीके का परेशानी आम जनता को उठानी पड़ रही है।
आम लोगों को किस तरीके की परेशानी उठानी पड़ती है, वो आपने कुछ देर पहले आम जनता से हमने जानने की भी कोशिश करी थी। उनका ये भी कहना है कि सर्दी में जो प्रशासन की तरफ से उन्हें अलाव का सहारा दिया जाता है, अलाव मुहैया करवाया जाता है, लेकिन इस तरीके की कोई भी सुविधा उनको मुहैया नहीं करवाई जा रही है। तो देखिए कि तमाम तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जो सड़क है, साइबर सिटी की जो सड़कें हैं, वो पानी में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। आगे और भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे लगातार। आप बने रहिए हमारे साथ वी न्यूज के साथ और जुड़े रहिए, क्योंकि सर्दी का जो सितम है, आम जनता को जिस तरीके की परेशानी उठानी पड़ रही है और तमाम समस्याएं हैं, हम इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की परेशानी और इस तरीके की तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती रहती हैं। लगातार सुबह से बारिश हो रही है, क्या कहेंगे, ठंड ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे हर कोई यही कह रहा है कि ठंड बहुत बढ़ गई है और इस ठंड के साथ साथ बारिश से जो सड़कें भरी हुई हैं, उससे लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। कुछ और तस्वीरें भी लगातार लाइव के जरिए हम आपको दिखाएंगे और जितने भी हमारे व्यूवर हैं, कोशिश भी है कि आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक तो ठंड ने दस्तक दी है, वहीं दूसरी तरफ बारिश भी लगातार हो रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के जो ज्यादातर हिस्से हैं, वहां का यही हाल है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी रात भर से काफी तेज तो कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हुई है और देखिए कि वहां पर भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो देखिए, दिल्ली में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि 9 तारीख को भी रुक रुक कर बारिश हो सकती है, यानी कि 3 दिन से लगातार 3 दिन बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। वहीं अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए, अभी फिलहाल ये सीधा तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर भी सोना चौक के भी क्या हाल है, सुभाष चौक के क्या हालात है। सड़क पूरी तरीके से पानी में तब्दील हो गया है और यहाँ से लोगों का जो आगमन होता है, आना जाना होता है, उनको इस तरीके की परेशानी उठानी पड़ती है।
और बड़ी बात ये भी कि लगातार जो बारिश हो रही है रात से ही, उससे जो जाम की समस्या है, यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यातायात भी यातायात किस तरीके से बाधित नजर आ रहा है। और पर्वतीय क्षेत्रों में देखिए कि जो बर्फबारी का दौर वहां पर शुरू हुआ है, उसे कई जो फ्लाइट्स हैं उन्हें भी रद्द कर दिया गया है, जिसका सीधे तौर पर असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले हरियाणा में भी जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, और जो बाकी इलाके थे उनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। वहीं अब बड़ी बात ये भी है कि क्योंकि कोरोना का जो सितम है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना के आए दिन मामले, सोचिए कि 1 लाख से ज्यादा मामले कोरोना के देखने को मिल रहे हैं, जिससे आम जनता के साथ साथ सरकार की भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आज के जो ताज़ा हालात हैं गुरुग्राम के, कि किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और ताज़ा जो हालात थे, लगातार सुबह से ही जो बारिश हो रही है उससे सड़क पूरे तालाब में तब्दील हो गए हैं, ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई जगह जगह की। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो हालात हैं वो सुधरते हुए नजर आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।